Hi guys, I am Rishabh Kakkad and you are watching Atomic Questpedia. Question start करते हैं 11.1 in text का. Classify the following as primary, secondary and tertiary alcohols. आपको पता होना चाहिए जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा है उसको कितने कार्बन सराउंड करते हैं उतनी उसकी डिग्री हो जाती है दोस्तों. तो मैं यहाँ पर अगर आपसे बात करूं, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस पे स्टार लगाया है उसको केवल एक कार्बन सराउंड कर रहा है तो ये 1 डिग्री हो गया है. जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसको कितने कार्बन सराउंड कर रहे हैं, एक कार्बन सराउंड कर रहा है, अगेन 1 डिग्री हो गया. जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है उसको 2 कार्बन सराउंड करते हैं, एक बेंजीन वाला है और एक CH3 वाला है, तो ये 2 डिग्री हो गया है. उसी तरीके से ये 1 डिग्री हो गया है. इस पे अगर स्टार लगा के देखेंगे तो ये अगेन आपको 2 डिग्री चमकेगा. इसके बाद अगर मैं आपसे बबात करूंगा जिस पे स्टार लगा रहे हैं उसको 3 कार्बन सराउंड कर रहे हैं तो ये 3 डिग्री हो गया. 1 डिग्री इज प्राइमरी, 2 डिग्री सेकेंडरी एंड 3 डिग्री टर्शियरी. ये तो आपको पता ही है. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11.1. इसी के साथ ही मैं 11.2 कर लेते हैं बिकॉज इसी का ही पार्ट है वो. 11.2 में आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एलाइलिक अल्कोहल्स. ऊपर दिए गए क्वेश्चंस के अंदर से कौन कौन से एलाइलिक अल्कोहल्स हैं ये आपको बताने हैं. तो मैं आपको ध्यान से बता दूं, एलाइलिक अल्कोहल उनको कहते हैं जिसमें कुछ इस तरीके का चीज प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे अगर OH लगा है तो ये जो पोजीशन होती है ये होती है एलाइलिक पोजीशन दोस्तों. तो अगर मैं बात करूं आपसे एलाइलिक पोजीशन की तो यहाँ पे मुझे क्लियरली एलाइलिक पोजीशन एक तो इसमें नजर आ रही है बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ये एलाइलिक पोजीशन है. मुझे ये भी एलाइलिक पोजीशन नजर आ रही है बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन बेंजीन वाला है और उसके साथ वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है, बिल्कुल ये भी एलाइलिक है. इसके बाद अगर मैं बात करूं एलाइलिक पोजीशन की तो ये भी एलाइलिक है क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है उसके साथ वाला कार्बन इज डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये मुझे दिख रहा है. क्या ये एलाइलिक है पोजीशन? ये एलाइलिक पोजीशन नहीं है बिकॉज OH अगर ये एलाइलिक होता तो OH यहाँ पे होता, जबकि OH यहाँ पे नहीं है तो ये एलाइलिक नहीं है. बाकी ये तीनों पोजीशंस एलाइलिक पोजीशंस आपकी कहलाएंगी. तो ये हो गया क्वेश्चन 11.1 एंड 11.2. चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. फुल चैप्टर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखिए. थैंक यू सो मच. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.